नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानबे 96.4 का 4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी बहस में। कार्यक्रम चुनावी बहस के साथ उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। आगामी मंगसीर 4 गति होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के तैयारी अभी देश में चल रहा बाटे। आम निर्वाचन के तैयारी में और चहल पहल में रहल देश के नेता पार्टी कार्यकर्ता के बीच में आज एगो ऐसा समय आयल जेकरा कारण से कहीं कहीं देखे के मिल रहा बाटे, आंदोलन हो रहा बाटे, टायर बारे वाला क्रम शुरू हो चुकल बाटे। एकर एक ही वो कारण है, प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा से दूसरका बार पारित करके प्रमाणीकरण के खातिर सम्माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष नागरिकता विधेयक संविधान जो निश्चित कैले बा 15 दिन के समय अवधि, वो अवधि के भीतर सम्माननीय राष्ट्रपति जी प्रमाणीकरण कर ओकरा बाद वो कानून बन के लागू हो जाए। लेकिन ये दूसरका बाद फिर से 15 दिन के समय सीमा उड़वा के आज वहाँ के जो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं की कैले जेकर विरोध स्वरूप राष्ट्रपति जी के कदम के विरोध के स्वरूप आज विरोध हो रहा बाटे। वहाँ के जो कदम बाटे ये कदम के 5 दलीय सत्ता गठबंधन भी एकर विरोध जनौले बाटे। एकर अब आगे के रास्ता का आवश्यकता सत्ता गठबंधन दल आगामी दिन में कौना रणनीति के तहत अगाड़ी बढ़ सकता लगायत ये नागरिकता विधेयक के संदर्भ में रह के आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के सहभागी करी ले मानिसन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष आदरणीय राम नरेश यादव जी के। और सर्वप्रथम कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे। राम नरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम चुनावी बहस में। धन्यवाद धन्यवाद। आज ही जोन राष्ट्रपति के द्वारा नागरिकता विधेयक जोन फिर से प्रमाणीकरण ना करके फिरता पेठाओल गेल बाटे, एकरा ऊपर अपने लगन के प्रतिक्रिया का बा? देश में दूसरका असंवैधानिक कदम आज राष्ट्रपति के है। इससे पहले पेठाओली दुर्घटना विघटन करके असंवैधानिक काम करे आज ओकरे पुनरावृत्ति भेल बा आज राष्ट्रपति जी से। ऐसे प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दोनों सदन से बहुमत से पास करके जवन नागरिकता विधेयक जो प्रमाणीकरण करे खातिर राष्ट्रपति यहाँ गई बा कहीं ना कहीं पूर्वाग रही बा एगो राष्ट्रपति सम्मानित पद है देश के, पार्टी के कोनो कार्यकर्ता बन के काम करे वाला जगह ना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमनी के महसूस होता कि आज देश में वो बहुत बड़ा संविधान विपरीत असंवैधानिक काम राष्ट्रपति द्वारा भइल बा जौना के विरोध हमने के पार्टी आज बिहार में परसा जिला में भी देख लो के जी जी उनकर कदम के विरुद्ध में आज हमने के 4 बार के प्रदर्शन भइल बा। लेकिन हमने के राष्ट्रीय गठबंधन बा उ पांचों दल के शीर्ष नेता लोग बैठ के एकरा संबंध में हमरा लागत है कोनो ना कोनो ठोस झिझिर के गाड़ी पढ़ी लो और कहीं ना कहीं देश के द्वंद्व में ले जाए खातिर देश के दिशा परिवर्तन करे खातिर प्राप्त जो लोकतंत्र बा जो यहाँ संघीयता बा एकरा खातिर कहीं ना कहीं घातक आज के कदम मानल गेल बा राष्ट्रपति के। ऐसे ये संवैधानिक हो वहाँ के सच्चाई के परी कानूनी रूप से सरकार के या हमने के 5 दलीय गठबंधन के पार्टी के सोच के अगाड़ी बढ़े वाला दिन हमारा लगा था आ गेल बा। लेकिन संविधान के रक्षक और संरक्षण और पालना करे वाला व्यक्ति ही जौना हिसाब से अभी संविधान पर प्रहार कैलक आज के दिन में, ये प्रहार से आम देशवासी में कौना किस्म के मैसेज जा रहल बाटे? वास्तव में देश में जो एगो विधि के शासन हम कहत रही हसन बहुत बड़ा ये 5 दल अगर ना रही थी देश में तो जवन ओली जी के सरकार के नेतृत्व में जवन कदम चालल गई रहे वो भी कहीं ना कहीं एगो व्यक्तिवादी चिंतन असंवैधानिक स्वेच्छाचारी रास्ता और ले जाए के बात होत रहे। और इस देश में जितना आंदोलन भइल मधेश जन विद्रोह भइल मधेश आंदोलन भइल
जितना भी प्रोत्साहन प्राप्त भेजवा एकरा के कहीं ना कहीं उन लोग के पचत नहीं के और राष्ट्रपति कौन है राष्ट्रपति संविधान के रक्षक होला संरक्षक होला ये देश के बहुत बड़ा पद है राष्ट्रपति लेकिन राष्ट्रपति जी अपन गरिमा ना बुझ के कहीं कोई के इशारा में संविधान के विपरीत कदम जो चलने वाले हमें लगा था इतिहास में सबसे असफल और संविधान के दिन में नेपाली जनता खातिर सबसे कलंकित रूप में हमारा लगाता अभी के राष्ट्रपति जी साबित हुई कहके कहीं ना कहीं हमनी के ठमियाई बा हमनी के बुझाई बा ऐसे नेपाली जनता प्रति के आघात हो नेपाल के संविधान प्रति के आघात हो इस चीज राष्ट्रपति से कोई भी नागरिक कोई भी नेपाली जनता अपेक्षा ना कैले रहे ई कदम बहुत ही निंदनीय बा घोर एकर हम अपने के रेडियो के मार्फत से भर्त्सना करे के भी चाहें और हमने के एक विरुद्ध में नागरिक की आवाज नागरिक के अधिकार खातिर जवन लाखों लाख नेपाली जन नेपाली नागरिक के संतान के जवन नागरिकता देवे खातिर विधेयक पारित हो ओकरा के प्रमाणीकरण ना करके गैर नागरिक बनाव के जवन कदम राष्ट्रपति के बाद एक हम घोर भर्त्सना करें और एक विपक्ष में पूरा देश लाए के पड़ी देश के जौन सार्वभौम सत्ता बा अखंडता बा जौन एगो अभी तक में प्राप्त उपलब्धि बा एकरा के रक्षा करे खातिर हमने के संपूर्ण लोग के अगाड़ी आवे वाला दिन हमरा लगा था और फिर से ही देश के एगो और दूसर रास्ता हमें ले जाए के अभियान शुरू होल बा जौन से बहुत ही सतर्क होके बहुत ही सजग होके एक विरुद्ध में हमने के जाए के पड़ी जैसा लगा था। अब जैसे कि पूछ पांच गते जौन एगो देश में कदम चालल गई ओकरा कारण से देश के संविधान कानून ही संकट में रहे आज असोज पांच गते के कदम भी वह दिन देखा रहा बाटे एकदम देखनी है उपराष्ट्रपति जी के जी कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जी के जौन वक्तव्य आए बार वो कहीं ना कहीं जौन उनका राष्ट्रपति जी के कहीं ना इनडायरेक्ट जो बुझे वाला एक समझना करावे वाला एक उनका के आगाह करावे वाला उनका आए बाटे न वक्तव्य तो ऐसे देश के राष्ट्रपति कोनो पार्टी के कार्यकर्ता ना होला जब राष्ट्रपति बने वाला अवस्था आवेला तो कोनो भी पार्टी के देश साधारण सदस्य बा वहां से राजीनामा दे के पद पर ले जाए जाला लेकिन आज भी कहीं बाहरिया शक्ति से बाहरिया पार्टी से परिचालन होकर अगर अपने संविधान के संरक्षक है संविधान के रक्षक हैं कि देश के सबसे गरिमा में सम्मानित पद पर बानी तो अपने के नजर में नेपाल होके के चाहिए नेपाल के जनता होके के चाहिए नेपाल के संविधान होके के चाहिए ना कि कोई व्यक्ति के इशारा होके के चाहिए इस चीज पर वहां के आगाह कराओ खातिर उनके निकाय के लोग भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बात उनका के जानकारी दे रहा बा कदम अपने के सही नहीं के कदम के तुरंत बैक होके जब हम प्रमाणीकरण वोरा के करे के पड़ल कह के कहीं ना कहीं उनका के एगो आभास देवे के प्रयास हो रहा बा लेकिन हमारा लागत नहीं है उतना कहला के बावजूद भी कौन परिवर्तन हो लेकिन एक खातिर हरेक निरंकुशता के विरुद्ध में हरेक असंवैधानिक के विरुद्ध में नेपाली जनता लड़ ले बा मधेश की जनता लड़ ले बा ऐसे हम से लड़े खातिर आज भी तैयार बने सन अगाड़ी बढ़े सन और जो लाखों नेपाली के संतान के गैर नेपाली बनाओ के जौन गैर नागरिक बनाओ जो काम हो रहा बा विपक्ष में हमने खड़ा होके एक उन लोग अधिकार खातिर हमने लड़बे करम सन ये अपने रेडियो बापत हम बताओ के चाहे जैसे की कदम के लेकर के अभी विरोध के कार्यक्रम सब भी आज देखे के मिलल ख सत्ता गठबंधन दल भी अपन एगो विज्ञप्ति जारी कैले बाटे आवेला दिन में अपने लगन के थप निर्णय का हो सकता फिर जैसे कि पुष पांच गते तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो असंवैधानिक कदम रहे वो कदम के विरोध में पांच गो दल एक होकर के ओकर विरोध कैलक ओकर लड़ल ओकरा के मात कैलक वैसे ही आवेला दिन में रणनीति का हो सकता टे लेकिन सेम अवस्था भाई जवन परिस्थिति ओकरा प्रधानमंत्री से जवन संविधान पर प्रहार भई रहे आज राष्ट्रपति से उस संविधान पर प्रहार भइल बा तो ओहु बेरा यह पांच दल के संविधान के रक्षा कैल विधि के शासन के स्थापित कैल वैसे ही एक विरुद्ध में अभी जवन राष्ट्रपति जी के कदम बा एकरा विरुद्ध में पांचों दल के नेता बैस के हमरा लागत बहुत ही जल्दी आजे रात तक या बिहान सवेर तक कौन न कौन निर्णय आई जौना के हमने फॉलो करके अगाड़ी बढ़न सन एगो सिम्बोलिक हमने के ईश्वर में आज बिना पार्टी के सर्कुलर के भी हमने एगो जनता के अधिकार खातिर हमने अगाड़ी बढ़नी सन और आंदोलन के रूप दिले बानी सन अगर ऐसे भी अगर सुधार नहीं के हो तो पार्टी के
तुरंत निर्णय हमारा को लागत आज बिहार में आए ओ अनुसार हम हरेक जिला में अगड़ी बढ़े सन हम कहे के चाहे अब तो वहाँ के प्रमाणीकरण ना कनी आवे वाला अब एक संवैधानिक या कानूनी उपचार का हो सकता है। अब देखिए अभी कानून विधि लोग से संविधान के ज्ञाता लोग से सर सलाह हमने लगा था जे सरकार के भी में छलफल लोग करी सरकार अभी सरकार हमने के पांच बजे गठबंधन के ही सरकार बा हमने लगा था जे जानकार लोग बा संविधान विधि लोग बा कानून विधि लोग बा ओकरा बाद महान्यायाधिवक्ता जी लोग बा उ लोग से मन ला परामर्श करके सरकार के जरूर कौन ना कौन कानून विधान निकाली आ ना निकाली तो हम जो राजनीतिक दल सदियों से नेपाल में बिना संघर्ष के कौन आजादी नहीं मिलल बिना संघर्ष के कौन अधिकार नहीं मिलल और ईवी अमन तो हमने के नेपाली जन्मसिद्ध नागरिक संतान खातिर लोग के नेपाली नागरिक बनावे खातिर अभियान में हमने पछाड़ी ना पड़म सन एक खातिर फिर से दोसरका जन आंदोलन तीसरका जन आंदोलन अगर करे के पड़ी तो वो अवस्था में भी जाए के हमें लगता पार्टी के तैयार होके के पड़ी। एक तरफ निर्वाचन की तैयारी हो रहा बाटे देश में निर्वाचन के तरफ जा रहा बाटे और दोसरका तरफ ये जौन संविधान के ऊपर कुठराघात भइल बाटे चाहे संविधान के मिचल गइल बाटे और नागरिकता जैसन ही कहीं ना कहीं व्यापक चर्चा के विषय जौन रहलक ये चीज के दबाव के प्रयास भइल बाटे ऐसे आगामी निर्वाचन में प्रभाव पड़ी कि का हो। देखिए निर्वाचन से महत्वपूर्ण चीज निर्वाचन वास्तव में आवधिक निर्वाचन कानून सम्मत एकदम अपरिहार्य है देश में स्थायित्व खातिर संविधान के कार्यान्वयन खातिर बहुत ही जरूरतमंद चीज है निर्वाचन लेकिन निर्वाचन के लक्षित करके ही निर्वाचन पे प्रतिकूल असर बनावे खातिर निर्वाचन के गतिविधि निषेध करे खातिर ये कहीं ना कहीं साजिश हो सकता आवे दिन में लोग देख रहा है आवे वाला दिन में गठबंधन के फिर से सरकार बनी में कोई नहीं रोक सकत जौना के से हमारा लगा कहीं ना कहीं मन में लोग उथल पुथल हो गई बा आगामी दिन फिर देश में गठबंधन के ही सरकार बनी गठबंधन के ही तो सब निकाय में लोग स्थापित हुई और देश के विधि के शासन में लेके जाई कानून के और संविधान के रक्षा हुई सामाजिक न्याय प्रतिपादन हुई इस चीज के कहीं ना कहीं आक्रमण करके देश के एगो दोसर जंजाल में फंसावे के प्रयास हमारा साजिश भी हो सकता जो अपने कहनी है ऐसे चुनाव के समय में आके वास्तव में जो काम भइल बा बहुत सोचनीय काम बा और कदम कदम पर एकरा के फूंक के हमनी के राजनीतिक दल लोग अगाड़ी बढ़े के पड़ी और इस सारा बात साजिश समझ के एक सही निदान के रास्ता में लगातार आए तो हमनी के सिद्ध नेता लोग जाई और जेने जो निर्णय लोग करी वो अनुसार हम आगे बढ़न सन का कहे के चाहे मी रेडियो सानवी के मार्फत से आम जनता में आम जनता में हम ये कहे के चाहे कि नेपाल में बहुत ही हमनी के भाई बंधु लोग के शहादत के बाद ये देश एगो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र भइल बा और संघीयता मधेश जन विद्रोह के बदौलत आई चीज है जौना के आज हरेक अपने पालिका नगर पालिका गाँव पालिका में देख रहा बानी हर कोई के सहज रूप से निकास और विकास सहज पहुंच स्थापित करे वाला हमने के मधेश जन विद्रोह ऐसे फिर से हमने के नेपाल के भूमि पर रहे वाला नेपाली नागरिक के संतान के गैर नागरिक बनावे के जो अभियान हो रहा बा साजिश हो रहा बा पर हमने संपूर्ण नेपाली जनता के राजनीतिक जो दल बा हमने के लोग आगाह करावे के चाहे एकरा से लड़े खातिर एकरा से सब नेपाली जनता में सजग होके अगाड़ी बढ़ो क्या गलत बा क्या सही बा चीज देखे के पड़ब वो अनुसार के संदेश हरेक गाँव में हरेक नागरिक के लगे हरेक व्यक्ति के लगे हमने के पहुंचावे को अभियान अपने लोगों के मार्फत भी अपने लोगों संचार कर्मी देश के सौदगा में अपने लोगों मार्फत पर व्यापक रूप से जनता में संदेश जाओ कि देश में एकदम संविधान विपरीत संविधान के मान मर्दन करे वाला काम जो राष्ट्रपति जी से भेजवा है व्यापक रूप में जनता में ही मैसेज और संदेश अपने मार्फत जाओ और एक लड़े खातिर हमने सब तैयारी अवस्था में रह जाम ये हम संदेश देव के जी बहुत बहुत धन्यवाद समय और संवाद के खातिर धन्यवाद जी। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के विशेष श्रृंखला में हमने के खास करके आज जौन देश में एक किस्म के उथल पुथल शुरू भइल बाटे नागरिकता विधेयक के लेकर के जौन व्यापक चर्चा के विषय बन रहलक ये निर्वाचन के दौरान में खास करके सत्ता गठबंधन दल अभी प्रयास से सत्ता गठबंधन दल के प्रयास से जौन नागरिकता विधेयक
दो-दो बार संसद से प्रतिनिधि सभा या प्रदेश सभा, खास करके राष्ट्रीय सभा, दोनों सदन से पास करके राष्ट्रपति के समक्ष गए लखो और जो संवैधानिक व्यवस्था बाटे कि 15 दिन के भीतर ही ओकरा के प्रमाणीकरण करे के, लेकिन बहुते अपेक्षा रहे, वो अपेक्षा के अनादर करते हुए आम जनता के जो अपेक्षा रख आज खास करके राष्ट्रपति जी के जो कदम आयल बाटे और ओकरा के प्रमाणीकरण नहीं के लिए जेकरा के लेकर के अभी चौतरफी विरोध हो रहा बाटे, ये बहस के विषय भी बनल बाटे, विभिन्न संविधानविद कानूनविद लोग अपन अपन धारणा दे रहा बाटे, राजनीतिक कर्मी लोग के भी धारणा बाटे, हर कोई एक कदम के विरोध कर रहा बाटे। आज हमनी के फिर जोड़े के चाहे से ये नागरिकता विधेयक और प्रमाणीकरण ना करते हुए फिरता पठाओल संदर्भ में अधिवक्ता सुधीर कर्ण जी के, और सबसे पहले वहां के स्वागत करके चाहे सुधीर सर, स्वागत बा कार्यक्रम चुनावी बहस में। जी धन्यवाद। आज जौन एगो देश में 81 माहौल जौन दिखे के मिलल सुने के मिल रहा बाटे और अभी चर्चा के विशेष विषय बनल बाटे नागरिकता विधेयक, राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रमाणीकरण ना करते हुए फिर से दूसर का बार फिरता पठाओल गई बाटे, ए पर अपने लगन के कानूनी हिसाब से का प्रतिक्रिया बाटे? एगो नेपाल के नागरिक भइला के नाता से, एगो कानून के विद्यार्थी भइला के नाता से, हम उ ऐसन देश में बानी जोन देश के संविधान ई देश के राष्ट्रपति माने से इनकार करता, ई चीज हमरा आज महसूस भइल बा। देखी नेपाल के संविधान जे बनैले होके बड़ा सीना तान के कहला जे बड़ा उत्कृष्ट संविधान बनैले बानी, उ संविधान बनैला में जोन पहिला वाक्यांश लिखल बा नेपाल के संविधान के धारा 1, संविधान यो मुलुक को मूल कानून होने छ। धारा 1 के उपधारा 2 में संविधान को पालना गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य होने छ कहके कहले बा, देश के राष्ट्रपति यदि संविधान के पालना नहीं करत तो अन्य जनता से संविधान के पालना करे के कोनो किस्म के अपेक्षा कइल नाजायज रही। उ लोग का सिखावता, इ देश के राष्ट्रपति का सिखावता जे इ संविधान के पालना ना भी कइला से होई तो बयान भइले इ देश के अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामान्य जनता इ संविधान के काहे पालना करी। देखिए संविधान के व्यवस्था में बहुत प्रश्न बा कि कानून के बनाई, कानून कैसे बनी, उ कानून के प्रमाणीकरण कैसे होई, के करी, इस सब चीज के बहुत प्रश्न व्यवस्था बा, ओमे केकरो व्याख्या करे के जरूरते नहीं है। नेपाल के संविधान के धारा 1 से 13 में, 1 से 13 के उपधारा 2 में यदि दोनों सदन से कोई विधेयक पारित होके आवता जी। तो वो पारित विधेयक के 15 दिन के भीतर में राष्ट्रपति जी के प्रमाणीकरण करके यथासंभव जल्दी वो दोनों सदन के जानकारी देवे के व्यवस्था बा 1 से 13, धारा 1 से 13 के 2 में। एगो विशेषाधिकार का दिले बा राष्ट्रपति जी के, जे अर्थ विधेयक बायक औरी कोनो विधेयक बा तो ओमे यदि राष्ट्रपति जी के लागत आ जे दोनों सदन से पारित भइल विधेयक जोन बा ऊपर पुनर्विचार सदन करो तो उ फेरू पुनर्विचार खातिर संबंधित सदन में जोन सदन से उ विधेयक उत्पन्न भइल बा उ सदन में फिरता कर सकतारी, जुन की ऐसे पहले हमनी के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी फिरता कइले रही। उकर बाद धारा 1 से 13 के उपधारा 4 में का कहता जे दुबई सदन ले पुनर्विचार करी तिस्तो विधेयक प्रस्तुत रूप में, अर्थात जोन रूप से प्रस्तुत भइल रहे तेई रूप में वा संशोधन सहित पुनः पेश करे में पेश भए को 15 दिन भीतर राष्ट्रपति ले प्रमाणित करने था। इमे कोनो उनकर मुलाहिजा चाहिए, कोनो नाकर नुकर चाहिए, इस संविधान ने के कहले यदि पुनर्विचार करके यदि सदन भेज देता दोनों सदन राष्ट्रपति के लिए तब बाध्यात्मक व्यवस्था बा राष्ट्रपति ले प्रमाणित करने था, गर्ना सकने था बात नहीं थे, गर्ने था कहके बा ई प्रश्न व्यवस्था नागरिकता संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करके भेज देवल गई
अब वो 15 दिन के भीतर यदि नहीं की पुनः प्रमाणीकरण करत तो वो संविधान के बरखिलाफ काम करता रही। संविधान को पालना गर्नु पर्ने प्रत्येक कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य होने गए जो संवैधानिक व्यवस्था बा ओकरा ठाड़ो उल्लंघन करता रही। अब तो उल्लंघन हो गई बा सुधीर सर, अब तो उल्लंघन हो गई बा दूसर का बेर वहां के फिर से प्रमाणीकरण ना करके ही फिरता पिठा दे ले बानी। अब एकर कानूनी उपचार का आवश्यकता जैसे कि एगो बात आ रहल बाटे कि असोज एक गति जो अभी के प्रतिनिधि सभा के म्याद लग समाप्त हो गए और ई प्रतिनिधि सभा जवन विधेयक पठैले बाटे जब प्रतिनिधि सभा ना रहल तो विधेयक कहाँ से रही कह के विधेयक स्वतः खारिज हो गई ई जवन बात आ रहल बाटे ई का होवे में वास्तविकता का बा और कानूनी एकर प्रक्रिया आधार का बाटे ना। विधेयक यदि विचाराधीन विधेयक रहित तो विचाराधीन विधेयक अंतिम निष्कर्ष देवे से पहले यदि उ संसद के आयु समाप्त हो जाता तो नया बने वाला संसद फिर ओकरा ओन करके छलफल करके पारित करे के ना करे के निर्णय आए वाला संसद कर सकत रहे। जनता के प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्र सभा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित कर दे बा, पारित भइल विधेयक ना मरेला, पारित भइल विधेयक मरे के संविधान में कोनो व्यवस्था नहीं के, पारित भइल विधेयक के दुइये गो क्लज बा राष्ट्रपति ले प्रमाणित गर्नु पर्ने छ, पहिला बार में नेखी प्रमाणित करत त ओकरा के संसद में पुनर्विचार करे खतरा 113(3) अनुसार भेज सकतारी। 113(3) अनुसार पुनर्विचार करके भेजल में 114(4) अनुसार उनका प्रमाणित करी देवे के, पर ये विधेयक मरे वाला नहीं के, ये विधेयक जिंदा रही। लेकिन ये विधेयक बिना प्रमाणित कैले कानून बने के व्यवस्था संविधान में नहीं के, वैसे ये संविधान में कानून के रूप में ऐन के रूप में आए खतरा प्रमाणीकरण अनिवार्य रहे। तो ये वास्तव में राष्ट्रपति हमनी के देश के राष्ट्रपति द्वारा जोन किसिम के अभी के देखाइल उनकर स्टैंड देखल गई ला वो बिल्कुल है संविधान के बरखिलाफ बा, संविधान के विपरीत बा। संविधान पालना ना कैल यदि राष्ट्रपति बारी एक सेकंड भी उनका उपद पर रहे के नैतिक अधिकार नहीं के, नैतिक अधिकार खो देली गुमा देली नैतिक अधिकार, उ नैतिक अधिकार ना भैला के कारण से हम संविधान ना माने अब हम उपद पर बैठल रहे ऐसन किस्म के नैतिकहीन आदमी के वास्तव में अब हम ज्यादा शब्द नहीं की बोल सकत। लेकिन इतना जरूर बा जे नैतिकता के आधार पर एक सेकंड भी राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठे लायक नहीं की। अब यानी कि जे संविधान के रक्षक बा, संरक्षण बा और पालनकर्ता बा, आज के दिन में वे उल्लंघन कैले बा तब ओकर एको सेकंड उस सीट पर बैठे के अधिकार इस संविधान नहीं के देले। जी बिल्कुल बा, हम अपने के वो और बात बताएं, नेपाल के संविधान के धारा 61 में, 61 के उपधारा 4 में जी राष्ट्रपति जी के पद कैसन पद है ओकर बारे में व्यवस्था बा। 61 धारा 61 के उपधारा 4 में यो संविधान को पालना गर्नु पर्ने र संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्रपति को प्रमुख कर्तव्य होने छ। संविधान के प्रमुख संरक्षक भी राष्ट्रपति रही, संविधान के पालनकर्ता भी राष्ट्रपति रही, इस संविधान में व्यवस्था कैल गई बा। लेकिन जान जान के ये बात अपने लोग के हम जानकारी कराए के चाहें, आज से साल भर पहले, लगभग साल सवा साल पहले 2078 साल ज्येष्ठ महीना के 9 गते इहे नागरिकता संशोधन अध्यादेश जोन की तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहले उनकर कैबिनेट संसद ना भइला के कारण से अध्यादेश के रूप में पारित कैलक। उ अध्यादेश के नेपाल के संविधान के धारा 144 के 1 अनुसार ओकरा के कानून के बनै लगता अभी के जे राष्ट्रपति बाड़ी उहे बनैली। उ में का चीज लिखल बा उ अध्यादेश में उहे चीज आजू के विधेयक में लिखल बा। अध्यादेश जहिया पारित भइल ओकरे बयान भइला प्रमाणित करे वाला इहे राष्ट्रपति, आ उहे चीज विधेयक में संसद में छलफल होके आयल तो ओकरा के इनकार करे वाला इहे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जोन किसिम के भूमिका दिखाई देवल बा उ त सीधे लागता कि काल के दिन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एमाले के जोन उपसभापति के रोल उनकर रहे, उ रोल से त बाहर नहीं की आयल। उनकर पार्टी के प्रधानमंत्री के काल में उहे अध्यादेश आयल तो उनका के
तुरंत सही छाप मोहर लगा के भेज दिली, कानून बना दिली, बाद में सर्वोच्च अदालत ओकरा के वॉइड अन्नल कैलक, बदर कैलक। उहे चीज उ चीज में कमा फुल स्टॉप कुछ चेंज नहीं थे। एगो चीज सिर्फ फप बा, गैर आवासीय नेपाली, गैर आवासीय नागरिक के नेपाली के नागरिकता देवे के व्यवस्था अभी के विधेयक में कल गई बा। उकर बा है कि जितना बात बा उ सारा बात ओली सरकार के पाला में जो अध्यादेश आयल रहे वो अध्यादेश में लिखल बा। तो अध्यादेश हुए राष्ट्रपति पालन कर सकतारी, बहुत बढ़िया बा, संविधान अनुकूल बा, उसे ना राष्ट्रीयता के खतरा बा ना नेपाली पना के खतरा बा। उहे चीज आज विधेयक के रूप में संसद से पारित होके आवता था, एगो आर्टिकल लिख के संसद में फिरता करतारी जैसे राष्ट्रीयता पर समस्या आ सकता। राष्ट्रपति जी के राजनीतिक स्वार्थ का हो सकता है? देखिए इस देश में निर्वाचन होए जाए वाला बा जी, देश में नागरिकता के समस्या केकरा बा, देश में नागरिकता के समस्या जेकर बाप माई नेपाल के नागरिक बा, जन्म सिद्ध के नागरिक बा, ओकर संतान के नागरिकता मिले के व्यवस्था अभी के कानून में नहीं छे। संविधान बनाए वाला लोग 72 साल में संविधान में लिख देलक लोग धारा 11 के उपधारा 3 में जे जन्म सिद्ध के आधार में नागरिकता प्राप्त करे को नागरिक को संतान ले बाबू रामा नेपाली नागरिक होने छ भने वंशज को आधार ले नागरिकता पाउँछ, संविधान में लिख दलक लोग। उहे चीज अभी नागरिकता संशोधन विधेयक में लेके आइल बा। ओकर बाद का बाजे में औरी कोनो खास में औरी बात नहीं छे। मेजर चीज ये बा 5 लाख नेपाली नागरिक जेकर बाबू माई नेपाल के नागरिक बा, लेकिन कानून में उल्लेख ना भइला के कारण से उ लोग अभी नेपाल के नागरिकता नहीं खेल मिले सकत। त्राई त्राई मचावता, आत्महत्या करे तक के नौबत आ गेल बा। आजे हम देखनिया हमर मैसेंजर में वैसन लोग मैसेज गेले बा, वकील साहब अब अपने आस दिलावत रहनी जे कानून बन जाई, कानून बन जाई। अब कानून नहीं के बने वाला, हमने लगे आत्महत्या करे के सिवाय तो कुछ नहीं के, हमने के पढ़े नहीं की सकत, हमने के रोजगार नहीं के मिले सकत। ऐसन 5 लाख आदमी के ई अपेक्षा के राष्ट्रपति 1 सेकंड में जोन बा ओकरा के बर्बाद कर देले बड़ी, आशा खत्म कर दिली। ई चीज का बा एकरा प्रचार का कहल जाता जे विदेशी लोग के नागरिकता देवे से रोकल गई बा, पॉलिटिकल इशू बनाई लोग जे विदेशी ई कानून बनता ऐसे विदेशी लोग ना नेपाल के नेपाली नागरिक मिले जा रहा रहे, ओकरा के राष्ट्रपति जी रोक देली। ई राष्ट्रपति राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीयता एक बार बता दिली है, एकरा के एगो पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में ले जाए कतरा एगो हथकंडा अपनाई गई बा। ई चीज स्पष्ट रूप से एगो सामान्य रूप से हमनी के देखला के अवस्था में लागता। वैसे राष्ट्रपति के पद पर राजनीति से ऊपर के पद, राष्ट्रपति के पद पर दलीय स्वार्थ से ऊपर के पद, राष्ट्रपति के पद पर दलीय हिसाब किताब से ऊपर के पद, लेकिन भूमिका उनकर का दिखाई देलक, एगो पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब दिखाई देलक। एक लाज मर्द अवस्था हमने की देखत कोनो राष्ट्रपति के क्रियाकलाप से हो सकता। पार्टी के रबर स्टाम्प बन के राष्ट्रपति जी रह गए बानी, अब दल रबर स्टाम्प बिना, रबर स्टाम्प बिना पार्टी के एगो कार्यकर्ता के हिसाब के दरवाजे बड़ी जैसा लगता। अब जो सत्ता गठबंधन दल बा या और सारा दल बाटे, अभी दल सब के पास एकर कानूनी उपचार के खातिर कोनो रास्ता बचल बा कि खत्म हो गेल बा? सर देखिए कानून संविधान उल्लंघन करी या कानून के रास्ता ना रही तो हो ये नहीं कह सकत। इस देश में अभी भी एगो न्यायपालिका बा, यदि हम एगो व्यक्ति कानून के उल्लंघन करतनी तो हमारा हथकड़ी लगा के सजाए करे वाला निकाय यदि अदालत है, हमारा के हम कानून उल्लंघन करतनी तो हमारा अदालत सजाए कर सकता, पीड़ित के न्याय दिला सकता, राहत दिला सकता। तो इस देश के राष्ट्रपति यदि संविधान के देखा देखी घोर उल्लंघन कैले बा तो न्यायपालिका के भी उहे अवस्था अनुसार से न्याय दिलाए के परी, दोषी के सजाए करे के परी। हमारा लगातार सर्वोच्च अदालत में आज एगो रीट गई बा, एगो एडवोकेट बारे सुनील रंजन सिंह आज एगो राष्ट्रपति के गतिविधि के संबंध में रिट पेश करे गई नहीं, आज दर्ता ना भैला शायद नेक्स्ट बयान दर्ता हुई। अदालत एकर बारे में उपयुक्त निराकरण जल्दी से जल्दी करी, क्या कि ऐसा संवेदनशील विषय बा नागरिकता जैसन विषय, नागरिकता सामान्य कानून नहीं के देखी। 1972 साल में संविधान आई, इस संविधान में लिखल गई जे संविधान में संविधान द्वारा प्रदत्त जितना अधिकार बा ओकरा प्रचलन करे खातिर संविधान जारी भइला के 2 बरस के भीतर में कानून बना दे। 72 साल में
नागरिकता संबंधी व्यवस्था अधिकार देलक। आज उ 7 बरस से ज्यादा समय हो गए लेकिन नागरिकता के बारे में कानून ना बनल और विषय में कानून बना देलक लोग। नागरिकता के विषय में आल ताल करते आगे लोग, कौगो सरकार चेंज हो गई, संसद खत्म हो गई, लेकिन इस संसद जाते जाते कम से कम एगो विधेयक पास करके देले बा। राष्ट्रपति के गैर जिम्मेवार पूर्ण काम के चलते उरुकल बा। सर्वोच्च अदालत एकर संबंध में उपयुक्त निकास दी, उपयुक्त न्याय दी। हमरा दिसन लागत यदि सर्वोच्च अदालत कानून के उल्लंघन भइल बा कह के ठहर करता तो राष्ट्रपति जी के सजा या कोनो किस्म के कार्रवाई हो सकता है कि ना? जिससे राष्ट्रपति के सजाए के बाद कानून में भी नहीं के और सर्वोच्च अदालत के जुरिस्डिक्शन में सजाए करे के बाद नहीं के, लेकिन यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति ले गलती करे को छ, संविधान को उल्लंघन करे को छ कहके कह दी तो हमरा नहीं के लागत जो राष्ट्रपति एक सेकंड खातिर राष्ट्रपति निवास में बैठे लायक रही। नैतिकता के हिसाब से राजनामा देवे के परी, अभी ये तो नैतिकता बनते की अभी राजनामा दे दो के, लेकिन वहां के राजनामा आई नहीं के। अंत में ये कार्यक्रम के मार्फत से आम जनता में अपने का कहे के चाहे? सबसे पहला तो का कहे के चाहता नहीं कि वास्तव में नागरिकता जैसन संवेदनशील विषय में राजनीति ना होके के चाहे। ये एगो आदमी के लाइफ से जुड़ल कॉन्स्टिट्यूशन जितना फंडामेंटल राइट दे लेबा, मौलिक अधिकार दे लेबा, वो एकरे प्राप्त हुई जो नेपाल के नागरिक है। नेपाल के नागरिक के खातिर नागरिकता के प्रमाण पत्र चाहिए। संविधान नागरिकता के प्रमाण पत्र लेवे के जोन संवैधानिक व्यवस्था कर देलक ओकरा के कानून में हूबहू पालन करे के अवस्था रहे जेकरा संसद पारित कर देलक। लेकिन अभी के समय में राष्ट्रपति जी द्वारा जोन प्रमाणीकरण ना करके संविधान उल्लंघन कैले बा लोग, एकर जनता भी हिसाब किताब रखले बा। बिहान के दिन में वास्तव में एकर अभी चुनाव के टाइम आइल बा, चुनाव के टाइम में एकर भी हिसाब किताब जनता के लेवे के आवश्यकता बा। हमरा लगातार नेपाल के जनता एकर हिसाब किताब ली। जी, समय और संवाद के खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के विशेष श्रृंखला में हमने के खास करके आज ही देश में जौन अभी अपने भी देख रहा बानी, सुन रहा बानी, नागरिकता विधेयक के लेकर के जौन बहस अभी चल रहा बाटे, चर्चा चारू ओरी चल रहा बाटे, विरोध हो रहा बाटे, कहीं ना कहीं ये देश के सबसे ऊंच ओहदा पर विराजमान सम्माननीय राष्ट्रपति जी के जौन कदम बैल बाटे, ये कदम के हर कोई घोर भर्त्सना कर रहा बाटे। नागरिकता आज अपने देश में 5-5 लाख लोग गैर नागरिक के तरह जीवन बिता रहा बाटे, ना वो कौनो रोजगार में सम्मानित हो सकता, ना उच्च शिक्षा हासिल कर सकता। नागरिकता ऐसा प्रमाण नेपाल में बनावल गई बाटे कि ओकरा बगैर वो यदि 16 वर्ष पार करता, 18 वर्ष में ओकर मताधिकार बाटे, वो हर एक अधिकार से वंचित हो रहा बाटे। और बहुत अपेक्षा रख उजे नागरिक अपने देश में गैर नागरिक के तरह अभी जी रहा बाटे, उ लोग के अपेक्षा रख कि कम से कम ये गठबंधन के सरकार अपन 5 वर्ष के दौरान में ना होके वाला काम जो कर रहा बाटे, ऐसे उ लोग के आशा पलाई रख, लेकिन ये निराशा में बदल चुकल बाटे। और एक कदम के लेकर के जो विरोध हो रहा बाटे, आवेला दिन में हर पार्टी अभी के सत्ता गठबंधन दल भी विज्ञप्ति के मार्फत से कहीं ना कहीं देश के फिर से कानूनी और संवैधानिक संकट के ओर ले जाए के खोज रहल बा, प्रयास हो रहल बाटे। ऐसे अभी के अवस्था के लेकर के हमने के आज विशेष रूप से बहस और छलफल के नियसन, आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के सहभागी करेले नियसन जनता समाजवादी पार्टी पर्सा जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी के, वैसे ही कानून और संविधान के ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कर्णी जी के। कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के विशेष श्रृंखला सुनने एक लाला अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनुप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम चुनावी बहस के आज के छलफल से। हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुकलेश गदी विदा चाहत, प्रणाम।